लियारी में कशीदा सूरत हाल बरकरार, रॉकेट हमले और फायरिंग का सिलसिला जारी। नवालीन में दस्ती बम हमला, दो अफराद जाँ बहक। सूबाई वजीर रफीक इंजीनियर के घर को आग लगा दी गई। कौमी असेंबली के इजलास में नून लीग का शदीद एहतजाज, अराकीन की सियाह पट्टियां बांधकर शिरकत। वक्फा सवालात की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान में गो गैलानी गो के नारे। उसामा बिन लादेन की हलाकत में पाकिस्तानी हुकूमत मुसल्लह अफवाज का हाथ है। उसामा को मोबाइल फोन चिप की मदद से तलाश किया गया, वजीर दफा चौधरी अहमद मुख्तार का दावा। हैदराबाद कमीशन की रिपोर्ट इसी माह मुकम्मल करने का ऐलान, जस्टिस जावेद इकबाल कहते हैं ताखिर की वजूहत भी सामने लाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। टैक्सला, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का शेड्यूल जारी। कौमी असेंबली के बाहर भी एहतजाज का फैसला। बलूचिस्तान बदमनी केस की समाअत, लापता अफराद को पेश न करने पर चीफ जस्टिस बरहम। बलूचिस्तान बड़ा मसला है, विफाक तआवुन क्यों नहीं कर रहा, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के रिमार्क्स। सदर और वजीर आजम की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, आर्मी चीफ, वज़रा खारजा, दाखिला और खजाना की शिरकत। स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस मोहम्मद आसिफ ने सजा पूरी कर ली, कल बरतानवी जेल से रिहाई का इम्कान।